खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एमपी पटवारी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर है। दोस्तों यदि आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, उन क्लासेस के लिए वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट से होने वाला है। चाहे आप मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नर्सिंग के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर वोकेबुलरी पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आप एक बार वोकेबलरी को पढ़ने का तरीका जानिए हमारे साथ, आपको पूरी तरह से वोकेबलरी को सीखने का, जानने का प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। और किस सही मेथड से हम वोकेबलरी को बेहतर, अच्छा, अब बढ़िया कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं, ज़बरदस्त कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ये इस क्लास के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे कोशिश क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी चैनल पर नए हैं तो एक बार जानिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को सीखते हैं, उस वर्ड के बाद हम दोस्तों उसकी हिंदी मीनिंग को जानते हैं, और हिंदी मीनिंग के बाद हम दोस्तों उस वर्ड की हिंदी मीनिंग को जानने के बाद हम उसके सिनोनम्स को जानते हैं, और फिर हम उसके एंटोनम्स यानी अपोजिट को जानते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है। इतने बेसिस को अगर हमने कवर कर लिया तो एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन सिनोनम्स और एंटोनम्स का रॉन्ग नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरा हो जाता है एग्जामिनेशन के दिन से, चाहे एमपीएसआई का एग्जाम हो, जेल प्रहरी का हो, एमपी पटवारी का हो, किसी भी एग्जाम या फिर नर्सिंग का एग्जाम हो, सभी क्लासेस के लिए वीडियो अति ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों सहमति बनाना या रजामंदी बनाना। दोस्तों इसके पहले के दो वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं, सहमति या रजामंदी, यदि आपने दोस्तों इसके पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पार्ट वन और पार्ट टू करके। ये थर्ड क्लास है, ये तीसरी क्लास है, ठीक है। वोकैबुलरी के बहुत सारे वीडियोज में अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमने इसका क्या जाना, ये हमारे सामने रहा वर्ड, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, अकॉर्ड की मीनिंग सहमति या रजामंदी। अब हम इसके सिनोनिम्स की तरफ चलेंगे, इसका सिनोनिम्स जानेंगे दोस्तों। इसका सिनोनिम्स होता है एग्रीमेंट। इसका सिनोनिम्स होता है क्या दोस्तों, एग्रीमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ दोस्तों, जिस किसी वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी जुड़ता है वह सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है, वह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इंग्लिश में नाउन कहलाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, एग्रीमेंट। इसी के एक वर्ड और आता है दोस्तों, जो कि काफी बार पेपर में पूछा जाता है, हारमोनी। हमने दोस्तों आपको पहले ही कह दिया कि अपनी हैबिट वो नहीं रहेगी कि अपन पहले से ही चीज़ों को लिख कर लाएं और फिर उसी को बुक में या कि बुक में रख कर लाएं और फिर उसी को उतार के बता दें। इस तरह का पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये इलॉजिकल बात होती है। तो यदि आप इंग्लिश बेहतरीन तरीके से जानते हैं तो फिर आपको चीज़ें इस तरह से डिस्कस करनी होगी एक एक चीज़ के बारे में। यदि हमें बुक से उठा के पढ़ देना है, चीज़ों को बता देना है, तो अपन तो बुक ही से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये तरीका सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब इसके अपोजिट की तरफ बात करते हैं दोस्तों। तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, एक तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ठीक है दोस्तों, डिस्कॉर्ड। और एक इसका अपोजिट हो सकता है दोस्तों डिसएग्रीमेंट। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाता हूँ, एक इसका अपोजिट होता है डिसएग्रीमेंट। दोस्तों अगर किसी भी वर्ड के पहले डिस लग जाए ना, तो डिस एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो हमेशा निगेटिव को दिखाता है। जैसे कि एक शब्द आपके सामने लिखता हूँ दोस्तों, अप्रूव, अप्रूव के आगे मैंने डिस जोड़ दिया। ये जो शब्द दोस्तों किसी वर्ड के पहले, किसी रूट वर्ड के पहले लगते हैं, किसी इंपॉर्टेंट वर्ड के पहले लगते हैं ना, इनको दोस्तों प्रीफिक्स कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिस क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो डिस अगर किसी भी वर्ड के पहले लग गया दोस्तों, तो वो अपने आप में कैसी मीनिंग बनाता है, वो अपने आप में निगेटिव मीनिंग बनाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों मुझे डिसकॉर्ड का मतलब जानना है, तो डिस प्लस कॉर्ड, तो कॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों तार, और डिस क्या हो गया, निगेटिव। तो जहां से तार टूट जाए, यानी जहां से संबंध टूट जाए, जहां से रजामंदी किसी चीज के ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे डिस्कॉर्ड कहते हैं। चलिए तो ये बात आपकी समझ में आ गई क्या, डिस्कॉर्ड को लेकर, ठीक है। तो यहां पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको दोस्तों कहते हैं एडमेंट, एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है, एडमेंट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी बात को लेकर अटल हो जाना या जिद्दी, अटल या जिद्दी। तो मैं अगर इसका सेम वर्ड लिखना चाहूँ दोस्तों, तो इसका सेम वर्ड मैं पहले इसको हटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में बेहतरीन तरीके से, कि एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, दो दो चार
एक पांच वर्ड हमने एक वर्ड से तैयार किए, तो यही हमारा सीक्वेंसिंग होता है। एडमेंट का मतलब होता है अटल या जिद्दी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों स्टबर्न है, तो स्टबर्न आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसको हटाता हूँ, इसका सिनोनिम्स दोस्तों क्या हो जाएगा स्टबर्न। एक इसका सिनोनिम्स होता है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स लिखिए, एक होता है इनफ्लेक्सिबल, 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 और एक होता है दोस्तों स्टबर्न। तो ये दोनों ही वर्ड आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, स्टबर्न, ठीक है, स्टबर्न। तो एक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों स्टबर्न, और एक हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल। तो इनफ्लेक्सिबल इसके लिए आप इसका अपोजिट क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट बहुत आसान है दोस्तों, इनफ्लेक्सिबल का आप क्या लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल लिख सकते हैं। तो इनफ्लेक्सिबल का आप क्या लिखेंगे, फ्लेक्सिबल। या इसी चीज के लिए एक और काफी इजी वर्ड है, सॉफ्ट है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, चाहे सिनोनिम्स मिल जाए, चाहे उसका अपोजिट मिल जाए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में आई बी एल ई जुड़ता है तो वह इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव कहलाता है और कुछ भी नहीं कहलाता। तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी, ये एडजेक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट शब्द की तरफ चलते हैं, एडरेंट। एडरेंट का मतलब होता है दोस्तों, इसी के लिए आप कह सकते हैं, इसके लिए एडरेंट, एडरेंट का मतलब होता है दोस्तों पक्षपाती। एडरेंट का मतलब होता है क्या, पक्षपाती, पक्षपाती, जो किसी चीज, जो किसी का पक्ष लेता हो, जो किसी एक विशेष पक्ष का हो। इसी के लिए दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, फॉलोवर। इसी के लिए एक वर्ड आता है फॉलोवर, तो फॉलोवर इसका सिनोनिम्स हो गया। या इसी चीज के लिए लिख सकते हैं दोस्तों डिसाइपल। इसी चीज के लिए क्या लिख सकता हूँ, डिसाइपल लिख सकता हूँ। ये दोनों बढ़िया वर्ड है, ये वर्ड पेपर में बहुत बार पूछा गया, डिसाइपल। इसको डिसाइपल में पढ़िएगा, डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब पक्षपाती, जो किसी के पक्ष में, उसी को शिष्य भी कहते हैं। अब इसके अपोजिट की तरफ चल दे दोस्तों, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो सकता है दोस्तों, इसका अपोजिट लिख देता हूँ, इसका अपोजिट हो जाएगा राइवल, राइवल, राइवलरी होती है ना दोस्तों, राइवल। या इसी को कह सकते एडवर्सरी, एडवर्सरी। ये दोनों ही बेहतरीन वर्ड है, दोनों को नोट करिएगा कॉपी में, राइवल और एडवर्सरी। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट हो गया। चलिए तो ये आपने सीख लिया, फॉलोअर या फॉलोअर्स भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल बना सकते हैं आप। अब नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडजेंट। एडजेंट दोस्तों जंट का मतलब बता देता हूँ आपको, जंट का मतलब होता है दोस्तों प्लेस, प्लेस या स्थान, प्लेस। और एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को क्या करना, किसी चीज का साथ देना या किसी भी चीज में कोई चीज जोड़ना, एड करना, ठीक है, एडी, ठीक है, एड। इसी को आप क्या कह सकते हैं, साथ कह सकते हैं। चलिए तो इसके लिए इसका सेम वर्ड क्या होगा, इधर लिख देता हूँ, इसका सेम वर्ड हो जाएगा दोस्तों ज्वाइन, ज्वाइन करना। या इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, बहुत सही वर्ड है एडिट, इसको ऐड करना या ज्वाइन करना, ठीक है। एडजेंट आपने लिख लिया, इसका सिनोनिम, इसके अपोजिट की तरफ आप चलेंगे तो इसका अपोजिट आपके लिए बहुत आसान, इसको हटा देता हूँ, इसका अपोजिट आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। इसका अपोजिट दोस्तों आप लिख सकते हैं सेपरेट, इसका अपोजिट आप लिख सकते हैं सेपरेट। तो ये रहा इसका अपोजिट, ठीक है। तो हमने आज देखिए दोस्तों, आज हमने संख्या बढ़ाई, एक दो तीन चार, चार डिस्कस किए, चार के साथ चार, चार आठ, चार बारह सोलह, सोलह चार बीस, बीस मीनिंग हमने तैयार कर ली है। ये वर्ड देखने के चार होते हैं, लेकिन इससे बीस मीनिंग हम तैयार करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है उसको भी तैयार करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अगर लगातार आपको अच्छे लग रहे हो, सीखने को मिल रहा है, तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम मित्रों तक शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को करिए लाइक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।